जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि चेयर कार की लॉन्चिंग आपने देख ली और अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो कब तक करने जा रही है और इसके कितने ट्रेन सेट भारतीय रेलवे तैयार और कितने सेट तैयार किए जाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वंदे भारत चेयर कार डिजाइन के जनक एस श्रीनिवासन के हाथ में ही स्लीपर वर्जन के कोच तैयार करने की भी कमान भारतीय रेलवे ने दी है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बतौर महाप्रबंधक के रूप में तैनात आरसीएफ में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर वर्जन की 16 ट्रेनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर वर्जन का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ में शुरू हो गया है। इस कॉन्सेप्ट ट्रेन में हवाई जहाज की जैसी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। महज 50 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा से बात करने लगेगी। खास बात यह है कि वंदे भारत चेयर कार के डिजाइन जनक एस श्रीनिवासन के हाथ में ही स्लीपर वर्जन के कोच तैयार करने की कमान भारतीय रेलवे ने दी है। इस समय एस श्रीनिवासन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बतौर महाप्रबंधक तैनात है। आरसीएफ में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर वर्जन की 16 ट्रेनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष में पहली ट्रेन रवाना किए जाने की संभावना जताई जा रही है। श्रीनिवासन आईसीएफ चेन्नई में बतौर चीफ डिजाइन इंजीनियर सीडी सेवाएं निभा रहे हैं और वंदे भारत चेयर कार का डिजाइन इसके मार्गदर्शन में ही तैयार किया जा रहा है। एस श्रीनिवासन ने खुलासा किया कि फैक्ट्री के इंजीनियरों ने डिजाइन की योजना पूरी कर ली गई है। पार्ट्स और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के लिए नए स्लीपर वर्जन कोच को मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताया। इसके इंटीरियर बिल्कुल हवाई जहाज के जैसा, लाइटिंग समेत अन्य सुविधाएं एयर ट्रेवल से मेल खाती हुई आपको दिखाई देगी। आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को ट्रेन के ड्राइवर से टॉक बैक की सुविधा मिलेगी। हवाई जहाज की तरह वैक्यूम टॉयलेट होंगे। मेट्रो की तरह स्वचालित बाहरी दरवाजे और सेंसर युक्त अतिरिक्त दरवाजे भी इसमें लगे हुए रहेंगे, जिससे यात्रियों को बेहद आरामदायक महसूस हो। उन्होंने कहा कि आरसीएफ ने 1985 में अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न प्रकार के 43,000 कोच तैयार किए हैं। आरसीएफ की ओर से बनाए गए विस्टाडोम पर शिक्षण सफल रहा और इन कोचों को जल्द ही कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर परिचालन में अब लाया जाए। तो दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ चेयर कार वाली वंदे भारत का निर्माण कर रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर स्लीपर वंदे भारत, इसलिए कि लंबी दूरी के लिए स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत को दौड़ाना भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए भारतीय रेलवे इसका निर्माण कई जगहों पर कर रही है, जिसमें रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि 16 सेट ट्रेन भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, जिसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से भारतीय रेलवे लेकर और उसका निर्माण तेजी से कर रही है। इसलिए कि आने वाले 2024 में इस ट्रेन को भारतीय रेलवे को लॉन्च करनी है, इसीलिए भारतीय रेलवे इस स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस दे रही है और इस पर काम भारतीय रेलवे बहुत ही तेजी से कर रही है। इसे साफ जाहिर होता है कि 2024 में भारतीय रेलवे स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, इसलिए कि लंबी दूरी के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे दौड़ा नहीं सकती है। स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत भारतीय रेलवे के लिए एक चुनौती बन गई है और इसका निर्माण भारतीय रेलवे तूफानी रूप में शुरू कर दी है। और जिस फैक्ट्री को भारतीय रेलवे ने स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत के लिए हायर किया है, वो पहले से ही हजारों कोचेज बनाकर पूरी तरह से वो सर्टिफाइड कंपनी है, जिस पर भरोसा करके भारतीय रेलवे ने स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया है। और आने वाले दिनों में आपको ऐसा स्लीपर वंदे भारत आपको देखने को मिलेगा कि आप उसमें जब सफर करेगा तो लगेगा कि आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।